बेगूसराय में टैलेंट की कमी नहीं है। केवी स्टूडियो एक स्टेज बना है और एक प्लेटफॉर्म बना है तमाम वो बेगूसराय के टैलेंट को स्टेज पे लाने का। तो आज हम कवि सम्मेलन की कड़ी को बढ़ाते हुए आज हमारे बीच है बेगूसराय के एक शख्सियत जो कालीस्थान के रहने वाले हैं और जिनका नाम है मनीष मोदी। तो मैं कुमार सानू आप सभी का केवी स्टूडियो में स्वागत करता हूं। तो स्वागत है आपका मनीष मोदी जी हमारे चैनल पे। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं बेगूसराय से? मेरा मूलतः घर हुआ वासुदेवपुर जो कि कोरिया पड़ता है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में ही है कोरिया। हाँ, और मैं पोखरिया में रहता हूँ पढ़ाई के सिलसिले से। आप पोखरिया में रहते हैं पढ़ाई से, क्या पढ़ाई करते हैं? मैं इस बार पार्ट वन में हूँ मोदी, मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। तो ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आपने कर रहे हैं, तो ये कवि लाइन में आप कैसे घुस गए? साहित्य में मेरी रुचि बचपन से थी और मैं नाइन्थ से साहित्य पढ़ना शुरू किया और उसी से मेरी रुचि बढ़ी और मैं साहित्य लाइन में। ये आपका नाम मनीष मोदी क्यों है? मोदी के फैन ज़्यादा है क्या? ये चीज़ है कि मैं मोदी का फैन हूँ और मेरा नाम जो है ओरिजिनल नाम सर्टिफिकेटेड नाम जो है वो मेरा मनीष कुमार है और मेरा एक दोस्त है ऋषभ, वो हमसे बहुत सीनियर थे। हम लोग एक कोचिंग था ब्लू प्रिंट उसमें पढ़ा करते थे। तो वो एक दिन फेसबुक आईडी बना रहे थे तो मैंने बोला कि आप मेरा भी बना दीजिए। तो वो बोले कि ठीक है बना देते। तो बोले तुम्हारा नाम क्या रखें? तो हम बोले कि भाई जो नाम है वही नाम रखें। तो वो बोले नहीं तुम कुछ ऐसा नाम रखो ताकि तुमको लोग जान लें। तो वही लड़का आज हमको मनीष मोदी का नाम दिया और इसी नाम से मैं फेमस हूँ। चलिए मनीष मोदी जी हमारे बीच है और काफ़ी अच्छा नाम है, अट्रैक्टिव नाम है। तो आपने बताया कि आप मतलब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और ये जो तार आपका जो कवि लाइन है आप आ गए। तो ये पहली कवि आपने बताया कि हम नाइन्थ क्लास से आप लिखते थे, तो आप किस टाइप की शायरी लिखते हैं या पोएम लिखते हैं? मैं वीर रस करता हूँ। वीर रस क्या होता है हमारे तमाम दर्शक जो देख रहे हैं? एक ऐसा वीर रस ऐसा होता है कि जो देश के प्रति बात करता है, देश के सैनिकों की बात करता हो या फिर जो समाज में घट रहा है उसको अपने ओज के स्वर से वो गाता हो, उसे वीर रस। मतलब कविता मतलब कितने रस की होती है? जैसे एक एक कविता कवि आए थे गीतांशु अंजान जी आए थे, उन्होंने बताया कि मैं श्रृंगार रस लिखता हूँ। श्रृंगार रस होता है प्यार का, जो कविताएं हैं उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। तो वीर रस आपने बताया कि आप सेना रिलेटेड जो भी हो या सोशल इशू हो उस पे उसको वीर रस कहा जाता है। और कोई रस होता है इसमें? वीर रस होता है, श्रृंगार रस होता है, हास्य रस होता है और ढेर सारे रस हैं। और एक मुक्तक है, छंद है, गजल है, इस टाइप का भी रस होता है। चलिए हमारे तमाम दर्शक हैं वो आपको देख रहे हैं, तो चलिए समय को कम दे आते हुए मैं पहले आपसे वो वीर रस जो है आपने बताया वो सुनना चाहूँगा एक कविता। मैं सबसे पहली जो कविता लिखी थी वो कविता मैं आप लोग चार लाइन रखता हूँ। मत जोर शहीदों को राजनीति में, मत जोर शहीदों को राजनीति में उसकी भी मर्यादा, मत जोड़ शहीदों को राजनीति में उसकी भी मर्यादा है। जिस सत्ता का है गुमान तुझे, जिस सत्ता का है गुमान तुझे, उस सत्ता का वो असली अधिकारी है। जिस दिन तुम शहीदों को ललकारोगे, मैं कलम सिपाही तुमको भी ललकारूंगा, मैं कलम सिपाही तुमको भी ललकारूंगा। वाह वाह वाह, क्या बात कही आपने कि आप पहला जो आपका कविता था वो भी आपने सैनिकों पे लिखा। कि आपने बताया कि सैनिक को पॉलिटिक्स लाइन से कैसे जोड़ा जाता है, बहुत खूब आपने कहा। तो दूसरी कविता आपसे हम सुनना चाहेंगे। मेरी दूसरी कविता जो बहुत फेमस हुई वो कविता आप से रखता हूँ, वो धर्म कहते द्रौपदी पे है और वो एक ऐसा इशू है कि उस समय था कि भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को बचा लेते थे, अब वो समय चला गया। बगल में भी अगर घटना हो रहा है तो व्यक्ति आंख मूंद के चला देता, पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। तब मैंने लिखा कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ अब गोविंद नहीं आने वाले, उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ अब गोविंद नहीं आने वाले, अरे इस भरी सभा में अब वस्त्र बड़े नहीं होने वाले। उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ अब गोविंद नहीं आने वाले,
इस भरी सभा में अब वस्त्र भरे नहीं होने वाले। इस आशा में मत रहना गोविंद हमें बचा लेंगे, इस आशा में मत रहना गोविंद हमें बचा लेंगे। अरे जो खुद की मंदिर बचा न सके वो तुझको क्या बचाएंगे, अरे जो खुद की मंदिर बचा न सके वो तुझको क्या बचाएंगे। वाह वाह वाह, आपने जो बात कही अभी, जो तमाम जो हमारे देश में चलता है, जो महिलाओं पर अत्याचार और जो बातें आपने कही कि अभी जो उस जमाने में जो श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचाया, तो आज के जमाने में जो राक्षस जमाना है, जो लड़कियों को, जो महिलाओं को जो नहीं छोड़ते हैं, तो आपने ये जो बात कही आत्मनिर्भर टाइप बात कही कि मतलब अगर जो भी इंसान हो, मान लीजिए कि आपने कहा कि अभी बचाने नहीं आएंगे, ये क्यों लिखा आपने ऐसा? बहुत जैसे कि महिलाएं आस लगा लेती हैं कि कोई बचा लेगा, पर अपने ही घर का फैमिली उसे बचा नहीं पाता है, उसके पास मजबूरियां होती है, लोग उसे दबा देते हैं। नहीं होता है ना कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा अनहोनी हो गया, उसके बाद बेटी को स्वतः मार देते हैं, कहते ना अब ये रहेगी कलंक हो जाएगा। क्या उस वक्त भी द्रौपदी थी, कृष्ण ने उसे बचाया, आज वो द्रौपदी पूजी जाती है, और आज का जमाने में जो द्रौपदी है उसको कोई पूजता नहीं है, उसको विलुप्त कर देता है, समाप्त कर देता है। मतलब आज के जमाने की द्रौपदी आपने एक आज की जो पीड़ित महिला है उनसे आपने जुड़ने का कोशिश किया। तो चलिए, आपने जो दो बात कविता अभी में बोली वो काफी सराहनीय थी। आप हास्य कवि लिखते हैं क्या, हास्य कविताएं और श्रृंगार रस की कविताएं लिखते हैं? मैं कहता हूँ श्रृंगार लिखा नहीं कभी, प्रेम कभी किया नहीं, इसलिए कभी मैंने ये चीज लिखा नहीं। मैंने एक बार हास्य लिखा था, वो एक ऐसा चीज था कि मान लेते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही राजनीति में हो। आप हमेशा हर चीज राजनीति में ही क्यों कह सकते हैं कि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, इसलिए आप हर कविता को आप राजनीति में ही खींचने की कोशिश करते हैं? ऐसा नहीं है, और थोड़ा मैं भी राजनीतिक हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मैं उसे देखता हूँ हर एक मंच पे, या फिर किन्हीं के भाषणों में भी देखता हूँ, तो इसका तो मैं उसी से जोड़ के रखता हूँ, चल ये सही है, इसी पे लिखता हूँ। तो आप बता रहे थे मतलब श्रृंगार रस की जो कविता, लव शायरी वगैरह है, वो आप कहना चाह रहे थे, तो हमारे दर्शक को आप सुना सके? श्रृंगार कभी लिखा नहीं, और हास्य कभी ट्राई नहीं किया, कभी एक दो अगर आपके मन में हो, तो अगर लास्ट तक, अगर वो हमारे एपिसोड में अगर लास्ट तक आपको याद आ जाए तो आप हमें बता दीजिएगा। तो एक कविता और सुनना चाहेंगे आपकी, बेहद आप पॉलिटिक्स साइंस के स्टूडेंट हैं और पॉलिटिक्स को कविताओं में ये परोस देते हैं, तो एक आध कविता और हो जाए आपके मुख से। एक हास्य की है, वो भी राजनीति से ही, राजनीति से ही है। चलिए बोलिए। प्रेमिका और प्रेमी के बीच का है, प्रेमी कहता है प्रेमिका से कि तू राजनीति की चौखट, तू राजनीति की चौखट, मैं हूँ उसका गेट प्रिय, तू राजनीति की चौखट, मैं हूँ उसका गेट प्रिय, तू लोकतंत्र की संसद, तू लोकतंत्र की संसद, मैं हूँ उसका बोल प्रिय, तू नेताओं की भाषण, तू नेताओं की भाषण, मैं हूँ उसका बोल प्रिय, तू लोकतंत्र की माइक, तू लोकतंत्र की माइक, मैं हूँ उसका तार प्रिय, तुम लोकतंत्र की फोटो, तू लोकतंत्र की फोटो, मैं हूँ उसका फ्रेम प्रिय, तू नेताओं की माला, मैं हूँ उसका फूल प्रिय, तू नेताओं की माला, मैं हूँ उसका फूल प्रिय। वाह वाह, क्या आपने अभी जो कविता बोली, हमारे दर्शक अगर सुन रहे हैं तो मुझे लगता है मुझे जो हंसी आई उनको भी हंसी आई होगी। आपने जो पॉलिटिकल साइंस की जो केमिस्ट्री है उसको आपने श्रृंगार रस में भी परोस दिया, और जो आपने बोला कि माइक प्रिय है, तो मुझे अतुल जी की याद आ गई कि उनकी एक मतलब उन्होंने भी एक हास्य कवि या फिर एक मतलब श्रृंगार रस की जो कविता है उन्होंने पहले एपिसोड में कहा, जिसको काफी फॉलोअर्स मिले हैं, 8,000 व्यूज हमारे चैनल पे उनके वीडियोस पे। तो आपने ये लड़की की तुलना पॉलिटिक्स से क्यों की? क्योंकि ऐसा होता है कि राजनीति में अब बहुत कम महिलाएं जाती हैं, और जो भी जाती भी है ना, तो वो अपने को अलग देखना चाहती है राजनीति से, चाहे वो क्या कहते हैं कि प्रियंका गांधी हो, स्मृति ईरानी हो, क्या कहते हैं सुषमा स्वराज जी चली गई, वो भी आजकल युवा है एक पूनम महाजन, वो
ये सब की छवि जो है बहुत अलग है, और यहाँ की जो नेताओं की जो है जो पुरुष वर्ग के हैं उनकी छवि गंदी नहीं कहता हूँ, फिर भी कुछ सही नहीं है मेरे मायने से। तो इसलिए मैंने उस महिलाओं को राजनीति में जोड़ा ताकि वो भी आगे आए। और एक ये तो हास्य था, हास्य का कोई मायने नहीं है कि जो आपने क्यों जोड़ा। अगर तो ये आपने, चलिए वो लंबा, ये हम बात दूसरी करते हैं कि आप ये पॉलिटिकल साइंस में आए हैं और आपने हर वो कविता को पॉलिटिक्स से जोड़ा, और सबसे बड़ी आपके जो मैं पहनावे देख रहा हूँ बिल्कुल कवि लाइन के हैं। मैंने पहली बार भी देखा है कि अभी तक हमारे जो इतने कवि आए हैं वो नॉर्मल ड्रेसअप में आए थे, आप पूरी कवि लाइन के, कवि के लुक में आए हैं। तो आप एक बात बताइए कि आप और कहीं प्लेटफॉर्म पे गए, जैसे हमारे केवी स्टूडियो पे आए हैं, तो और कहीं प्लेटफॉर्म पे अभी कभी आपने परफॉर्म किया है कविता? नहीं, किसी स्टूडियो में आज तक मैं नहीं गया, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आया हूँ। लाइव ढेर सारे चैनल से हुआ, पर इस तरह का जो आपका स्टूडियो है उसमें मैं कहीं नहीं गया था, मेरा यह पहला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप मतलब हमारे स्टूडियो में कीमती वक्त दिया। तो हम एक आध दो कविता आपसे और सुनना चाहेंगे क्योंकि हमारे दर्शक आपके जो कविता है वो काफी सुनना चाह रहे हैं, तो हमारे दर्शक को एक आध दो कविता और सुनाने की कोशिश करेंगे आप। एक वीर कमलेश पर है। वीर कमलेश, वीर कमलेश वो लड़का जो कि बार बख्तियारपुर का था, यही बिहार का था, और वो मात्र 18 वर्ष के थे जब वो शहीद हो गए थे। तब मैंने लिखा कि काश थोड़ा समय निकालकर श्रद्धांजलि दे दी होती वीर कमलेश को, काश थोड़ा समय निकालकर श्रद्धांजलि दे दी होती वीर कमलेश को जिन्होंने प्राण दे दिए इस देश को। अभी तो जवानी चढ़ी थी साहब, अभी तो जवानी चढ़ी थी साहब, वो भी दे दी इस देश को। दुनिया को अभी नहीं देखा था साहब, दुनिया को अभी नहीं देखा था साहब, चल दिए इन देश को। कर रहे अपमान शहीदों का, कर रहे अपमान शहीदों का, इस गलती पर पछताओगे। कर रहे अपमान शहीदों का, इस गलती पर पछताओगे। कुछ ही दिन के बाद तुम, कुछ ही दिन के बाद तुम सत्ता से मिट जाओगे, कुछ ही दिन के बाद तुम सत्ता से मिट जाओगे। वाह वाह मनीष जी, हम एक चीज हमने आपने नोट किया, जब आप बोलते हैं तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो ये तरीके हैं, जब कवि के एकदम तरह से हैं आप, मुझे लगता है कि आप बहुत सारी जगह परफॉर्म किए होंगे, कभी सम्मेलन में गए जाते हैं, और आप जब बोलते हैं तो आपकी जो बॉडी लुक है वो सब थोड़ा चेंजमेंट हो, लगता है कि असल में आप कविता में विलीन हो जाते हैं बोलते बोलते, और आप मंझे हुए खिलाड़ी लग रहे हैं इस कविता कवि के लाइन में। हाँ, मैं ढेर सारे कवि सम्मेलनों में गया हूँ, अक्सर मेरा बसवाड़ा, तेहरा, बेगूसराय, ये सब मेरा अक्सर प्रोग्राम रहता है, इसलिए मैं वहाँ जाते रहता हूँ। तो चलिए, आपकी कविताएं बहुत अच्छी थी, आपने 5-6 कविता मतलब हमारे बीच दर्शकों को बीच में सुनाया, तो आखिर में मैं एक लास्ट कविता, अगर आप चाहें हमारे चैनल के माध्यम से एक लास्ट कविता आप बता सके जो आपको लगे कि मेरा दमदार कविता है वो, जब भी आपके सारे कवि मैंने सुना है कि बहुत ही यूनिक वे से आपने बताया, और हास्य कवि आप नहीं लिखते हैं लेकिन आप देश के प्रति अक्सर ज्यादा लिखते हैं, तो एक कवि और एक कविता और आप कहना चाहेंगे तो? एक मैंने लिखा देश पे ही है, कारगिल के समय का ये है, तो मैंने लिखा था कि वो इतिहास क्या था मेरा, मैं हम कैसे आजाद हुए, कारगिल कैसे जीता, मैंने उस पर लिखा। जब जब हमने हिम शिखर पर तिरंगा फहराया है, जब जब हमने हिम शिखर पर तिरंगा फहराया है, तब तब हमसे शत्रु भी थर्राया है। जब जब हमने हिम शिखर पर तिरंगा फहराया है, तब तब हमसे शत्रु भी थर्राया है, और तुम कहते हो क्या इतिहास तुम्हारा है। जब जब हमने अग्नि की प्रतिज्ञा कर डाली, तब तब शत्रुओं की बलि चढ़ा डाली, और तुम कहते हो क्या इतिहास तुम्हारा है। तुम याद करो महाराणा प्रताप को, तुम याद करो महाराणा प्रताप को, जिसने जिसने मुगलों को चने चबाया था, और याद करो उस रानी को, और याद करो उस रानी को जिसने गोरों को नचवाया था, और तुम कहते हो क्या इतिहास तुम्हारा है, और तुम कहते हो क्या इतिहास तुम्हारा है। अरे अरे याद करो उस बूढ़े वीर कुंवर सिंह को, जिसने बुढ़ापे में भी जवानी की याद दिलाई थी, और तुम कहते हो क्या इतिहास तुम्हारा है, और तुम कहते हो क्या इतिहास तुम्हारा। वाह वाह वाह, ये तुम कहते हो इतिहास तुम्हारा, ये किसे आप कह रहे हैं? एक
पाकिस्तान का एक लड़का है, मेरे फेसबुक आईडी से वो जुड़ा हुआ था, तो वो एक चीज़ लिखा जो मुझे सूट नहीं किया, और मैंने उससे पोस्ट भी किया, मैंने उससे तुरंत रिप्लाई भी दिया कि देख तेरा इतिहास क्या है और तुम क्या थे। वो ढेर सारी बातें मुझे बताया, मैं उससे उतना उलझना नहीं चाहा, मैंने उसे छोड़ दिया, बाद में मैंने उसे ब्लॉक भी कर दिया, तब मैंने ये लिखा था। तो आखिर मैं मनीष जी, मैं एक सबसे आपकी खासियत मैं बताना चाहूँगा, तमाम मैंने अभी तक जो कवि हमारे स्टेज पे आए हैं, मैंने देखा है कि आपकी जो कविता है बहुत ही मोटिवेशनल कविता है, और मतलब आपसे लोग प्रेरणा ज़्यादा लेना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात मैंने देखी है कि आपने बिना लिखे मतलब बिना पढ़े हुए आपने ये सब कविताएँ कहीं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे हमारे बीच आए जिन्होंने पढ़ के वो सुनाया, और मैंने देखा कि आपको सभी कविताएं याद थी, आप प्रिपेयर थे, तो बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब बिना किसी सहारे के आप इस कविताओं को मतलब हमारे बीच प्रस्तुत कर दिए। तो आखिर मैं आपसे अलविदा लेने से पहले, मतलब जाने से पहले, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको हमारे केवी स्टूडियो में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आपके केवी स्टूडियो में आके, और आप लोग ने मुझे यहाँ बुलाया, और इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, और आपके रोशन सर का भी मैं सदा आभारी रहूँगा जिन्होंने मुझे मौका दिया आने का, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने तैयार किया है, और वो भी इतने कम समय में आप लोगों ने बेगूसराय का जो नाम रोशन किया, स्टार्स ऑफ बेगूसराय आपके चैनल है यूट्यूब के, डॉक्टर रोशन कुमार आपका फेसबुक पेज है, इस पर मैं देखता हूँ कि अक्सर आप लोग जो कर रहे हैं ना वो बहुत बेहतर है। मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि आप इसी तरह आगे लगे रहो और बढ़ते रहो ताकि आपका भी ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। जैसा कि आपने सुना, मनीष जी एक अच्छे कॉम्पिटिटर के रूप में आप सभी के बीच में आए, और इनकी जो कविताएं, जो देशभक्ति कविताएं लिखते हैं, वीर रस में लिखते हैं, मुझे लगता है वह कविताएं बहुत कम लोगों ने अभी तक सुनाया है, और इनकी कविता बहुत ही अच्छी थी। मुझे भी उन जो द्रौपदी पे इन्होंने कहा और सारी बातों पे इन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह कवि सम्मेलन में एक तगड़े दावेदार के रूप में आ सकते हैं। तो मैं जाने से पहले, तमाम वो दर्शक हमारे जो चैनल को देख रहे हैं, अगर आप में भी कोई टैलेंट हो तो हमारे स्टेज के माध्यम जो केवी स्टूडियो है उस पे आके आप परफॉर्म कर सकते हैं, मनीष जी के जैसे आप भी हमारे स्टेज के पे आकर अपने परफॉर्मेंस को दिखा के सभी दर्शक को हमारे स्टेज के माध्यम से अपने परफॉर्मेंस को आप तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू मिलूंगा अगले वह टैलेंट से, और मिलवाऊंगा अगले कवि से इस कवि सम्मेलन में। इसी के साथ मैं कुमार सानू लेता हूं अलविदा, आपसे नमस्कार।